अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन। एंड आज हम लोगों ने अपना स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 13, पेज नंबर 100। हम लोगों ने इक्विलिब्रियम तक पढ़ लिया था और आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम के कितनी स्टेट्स हैं और ये क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम ये देखें, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेजर जो थ्री स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अब स्टेबल से आप लोगों को पता चल रहा है कि स्टेबल बिल्कुल एक चीज़ जो है दूसरी अनस्टेबल हो जाएगी, यानी कि वो स्टेबल से थोड़ी सी ख़राब होगी, और तीसरी जो है न्यूट्रल, यानी कि हर तरह से वो न्यूट्रल रहने वाली। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होता है, एक चीज़ आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, बुक पड़ी हुई है टेबल पे, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं पे पड़ी हुई है, एक स्मूथ सरफेस पे पड़ी हुई है, अगर हमने उसको एक साइड से थोड़ा सा हिलाना है, हिला के अगर छोड़ देंगे तो वो फौरन से फौरन अपनी उसी जगह पे वैसे ही वापस आ जाएगी जैसे वो पहले पड़ी हुई थी। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत आसान है, इसको इतना ही इसके लिए समझना काफ़ी होगा। कंसिडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, टिल्ट द बुक स्लाइटली ऑन इट्स वन एज बाई लिफ्टिंग इट फ्रॉम ऑपोजिट साइड। यानी कि ये बुक पड़ी हुई थी, ये जी जो है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जब इसको एक साइड से हल्का सा उठाया है और बाद में वैसे ही छोड़ दिया है, तो ये अपनी जगह पर आके सेम एज इट इज़ इस तरह ये रख हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आ जाएगी। इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री, जब हम इसे छोड़ देंगे तो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगी। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप लोगों ने इसकी ये वाली डेफिनेशन करनी है, द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी कि कोई भी बॉडी अगर हम उसे हल्का सा हिला के स्लाइटेस्ट टिल्ट करेंगे और वहाँ में छोड़ देंगे तो वो अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब इसकी रीज़न क्या है, व्हेन अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द लोएस्ट पॉइंट, व्हेन इट इज़ टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज। ये आप लोग करके भी देखिएगा कि जब एक चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर होता है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही हमने उसको एक तरफ से हटाएंगे, हिलाएंगे थोड़ा सा, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा हिल जाएगा और राइज कर जाएगा। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हमने उसको स्टेबल स्टेट में लेके आना होगा तो हम उसकी पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी को है वो लोअर करेंगे। अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ बॉडी। जब तक बेस के साथ वो एक्ट करता रहेगा तो वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। आप लोगों के सामने यहाँ पे एक मैन नज़र आ रहा है, ये या एक्सरसाइज कर रहे हैं ये, तो अब देखें ये दोनों इसकी टांगें, पहले ये अगर सीधी थी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, अब इसने अपनी ये वाली टांग थोड़ी सी उठाई और यहाँ तक ले आया है, और फिर अब ये थोड़ी देर बाद अपनी टांग यहाँ पे वापस ले जाएगा। अब आप लोगों ने देखा है कि अगर ये यहाँ पे इसने अपनी टांग उठाई है, आप लोग खुद भी उठा के देखिएगा, तो आप लोगों को हल्का सा थोड़ा फील होगा जैसे आप लोग गिरने लगे हैं, लेकिन आप गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इतना राइज नहीं आया, तो ये लोअर हो जाएगी, ये अपना दोबारा पाँव यहाँ पे ले आएगा, तो इसके स्टेबल हो जाएगा इक्विलिब्रियम इसका भी, ताकि ये गिरने ना पाए। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल और है, ये ब्लॉक्स की देखें, ये देखें ये ब्लॉक्स पड़ा हुआ है एक, और इसका ये सेंट्रल पॉइंट है। अब उसको हमने थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के इधर को हिलाया है, तो इसका ये देखें सेंटर ऑफ पॉइंट वहीं पर है, अभी ये नोक से सेंटर ऑफ पॉइंट इधर वाली साइड पर, यानी लोअर है। अगर इतनी ही पॉइंट पे हम इसको छोड़ देंगे, ये वापस आके अपना ब्लॉक इसी तरह खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हमने और इसको इधर को स्टिल्ट कर दिया तो अभी देखें ये सेंटर पॉइंट इसकी नोक से आगे चला गया, यानी कि ग्रेविटी इससे आगे चली गई है, ग्रेटर हो गई है, तो ये अब अपनी पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा। अगर अब छोड़ा तो ये सीधा इधर को आके गिरेगा, बजाय इसके कि ये अपनी पोजीशन पे वापस चला जाए, इसीलिए एरो भी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसको रीड कर लें, कंसीडर अ ब्लॉक एज शोन एंड फिगर, व्हेन द ब्लॉक इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज, इफ वर्टिकल लाइन्स पासिस थ्रू द जी एट इट्स बेस इन द टिल्टेड पोजिशन, ये आप लोगों को शो कर रहा है, द ब्लॉक रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजिशन। अगर हम हल्का सा बेस लाइन से उसको करेंगे तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएगा, लेकिन अगर हमने और ज़्यादा कर दिया तो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, इट टोपल्स ओवर इट्स बेस एंड मूव्स टू न्यू, तो ये अपनी बेस से नीचे गिर जाएगा
और कोई और पोजीशन अटेम्प्ट कर लेगा, यानी कि ये गिर के सीधा होके खड़ा हो जाएगा, पहले खड़ा था अब ये गिर जाएगा। तो दैट इज़ वाई अ व्हीकल मूव इज़ मेड वेरी हैवी एट इट्स बॉटम। अब आप लोगों को ये व्हीकल नज़र आ रहा है जो न्यू व्हीकल्स निकलते हैं उसमें से शोरूम्स वगैरह में से, तो आप लोग ये देखें कि उसकी जो बेस है ये न्यू नहीं, ये जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी बेस ये ज़मीन जो है जहाँ पे नीचे सारी वो उनकी फंक्शंस सारे पार्ट्स लगे होते हैं वो इतने हैवी बनाए जाते हैं ताकि अगर ये बस है, ये बस थोड़ा सा टिल्ट सा मूव किया है इसने, तो ये अपनी बेस हैवी होने की वजह से दोबारा वापस यहाँ पे आ जाएगी, गिरेगी नहीं, इधर को नहीं गिरेगी, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो लाइट वेट है, नीचे वाला जो है वो बहुत हैवी है, उसने इसको भी सपोर्ट दी हुई है। दैट इज़ वाई अ व्हीकल इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम टू कीप इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल, एज लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप इट स्टेबल। मोर ओवर द बेस ऑफ व्हीकल इज़ मेड सो वाइड दैट वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ बेस ड्यूरिंग अ टर्न। यानी कि अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट इतना लो है, हम उसे जितना मर्जी टिल्ट कर लें सिर्फ बेस लाइन तक, तो वो दोबारा से अपनी पोजिशन पर वापस आ जाएगी, गिरेगी नहीं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने इसमें से करना क्या है, एक आप लोगों ने ये ब्लॉक वाली एग्जांपल करनी है और दूसरी अभी जो हमने यहाँ पे बुक वाली पढ़ी है ये वाली, ये दो एग्जांपल्स हैं, इसमें से आप जौन सी मर्जी दो कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, डबल डेकर बस वाली भी है और ये वाली भी है, इसको अगर आप लोग खुद एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों के पास ये दो एग्जांपल्स बुक में मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों का लेक्चर आज तक यहीं का तक था, नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इंशाल्लाह कल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।